राजौरी पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नाका लगाया गया है, गहन पूछताछ की जा रही है, हर आने जाने वाले को यहाँ चेक किया जा रहा है, बिना सीट बेल्ट वालों को यहाँ चालान किया जा रहा है, बिना हेलमेट वालों को यहाँ चालान किया जा रहा है। ये देख सकते हैं पूरी तरह किस तरह राजौरी पुलिस जो है आज हाई अलर्ट पर है। जम्मू में VIP विजिट को लेकर आज जो पूरा जम्मू कश्मीर है वो देख सकते हैं वो यहाँ पर हाई अलर्ट पर है। और राजौरी पुलिस जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर DSP हेडक्वार्टर, SHO राजौरी, PSI, यहाँ पर पूरी पुलिस जो है, यहाँ महकमा आप देख सकते हैं कितना हाई अलर्ट पर है। हर किसी आने जाने वाले को यहाँ पर रोका जा रहा है, उसे गेंद तलाशी ली जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर बदस्तूर हुसैन खुद यहाँ पर गाड़ियां रोके चेक कर रहे हैं। SHO पुलिस स्टेशन राजौरी यहाँ पर खड़े हैं, ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर हेडक्वार्टर साहब खुद यहाँ पर इस मोर्चे को यहाँ संभाला हुआ है और हर आने जाने वाले पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। किस तरह यहाँ पर राजौरी पुलिस जो है हाई अलर्ट पर है, ये देख सकते किस तरह यहाँ पर खेवरा चौक में ये राजौरी पुलिस की तरफ से हर आने जाने वाले पर देख सकते किस तरह यहाँ पर चेकिंग किया जा रहा है। ये देख सकते हैं राजौरी पुलिस की तरफ से हर आने जाने वालों को, हर गाड़ी को यहाँ पर किस तरह चेक किया जा रहा है। इसमें क्या है? ये देख सकते हैं किस तरह पर यहाँ पर राजौरी पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है। जो बिना सीट बेल्ट के है उसे चालान किया जा रहा है, जो बिना हेलमेट के है उसे चालान किया जा रहा है, बिना कागज के जो यहाँ पर जो भी गाड़ी जाएगी उसे चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ राजौरी पुलिस जो है किस तरह यहाँ पर सतर्क हो चुकी है, क्योंकि जम्मू के अंदर जो VIP विजिट है उसको देखते हुए राजौरी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी चेकिंग जो की जा रही है। ये देख सकते हैं जी, आपको भी यहाँ रोका गया है? जी जी, यहाँ पे रोका गया है मुझे। अब क्या मानते हो ये जो चेकिंग है इसी तरह रूटीन में यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि आज देख सकते हैं राजौरी पुलिस की तरफ से यहाँ पर हेडक्वार्टर खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, SHO साहब संभाले हुए हैं। जी हाँ, ऐसे और बिल्कुल होनी चाहिए, गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए, कोई गाड़ी ऐसी वैसी ना हो, किसी के नंबर प्लेट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चोरियाँ हो रही है, उसके रिलेटेड ऐसी चेकिंग होनी चाहिए डेली। इन्होंने कहा कि यह ऐसी चेकिंग जो है होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कई बार जो है बाइक चोरी हो जाते हैं, चोरों को यहाँ सरगर्म होता है। मैं आपको बताता चलूँ, नशे पर भी यहाँ पर राजौरी पुलिस ने बहुत अंकुश लगा दिया है। जो नशा तस्कर है उन्हें भी राजौरी पुलिस ने पकड़ के जितने भी हैं उन्हें जा तो जेलों में भेजा गया है। जो कुछ बचे खुचे नशा तस्कर थे जो ड्रग्स भी लेते थे वो यहाँ से अब निकल चुके हैं, गायब हो चुके हैं, यहाँ नहीं मिलेगा आपको। उसी के रिलेटेड आज जो जम्मू के अंदर VIP विजिट है, VIP विजिट को देखते हुए यहाँ पर राजौरी पुलिस ने भी राजौरी के अंदर नाका लगा के हर आने जाने वाले को तलाशी ली जा रही है, वहाँ पर चेकिंग किया जा रहा है। और लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर इसी तरह चेकिंग होनी चाहिए, ताकि लोगों में एक जो चोर है, जो गाड़ियाँ चुराते हैं, जो चोरी करते हैं, उन्हें भी दहशत रहेगी, उन्हें डर रहेगा, वो इस तरह के काम नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं आप किस तरह पर DSP साहब खुद यहाँ पर जो है गाड़ियाँ रोक रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरह ये स्कूटी है, इसका जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर ने टेपिंग की हुई थी, किस तरह यहाँ पर ये टेम्परी की गई है, ये टेपिंग जो की हुई है ये देख सकते हैं। और DSP हेडक्वार्टर ने खुद यहाँ पर इस गाड़ी को रोका है। जी बताइए सर, आपने अपनी गाड़ी के ऊपर ये जो टेपिंग की है क्यों किया है? सर एक्चुअली मैंने किसी के लिए मैं हेलमेट पता नहीं था मुझे। आप मानते हो ये गलत है ये इस तरह टेपिंग करना? बिल्कुल सही बोल रहा। ये देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि हमारी गलती है, हम मानते हैं हमने गलती की है, हमने ये स्कूटी किससे मांग के लाई थी। ये देख सकते हैं JK 11C, सिर्फ यहाँ 15 ही दिखाई दिया जा रहा है, बाकी यहाँ पर ये जो टेप लगा दी गई है, मैं कोशिश करूंगा ये टेप जो देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पर टेपिंग है ये लगा के, ताकि ये जो ऑनलाइन चलान होते हैं उन ऑनलाइन चलानों से बचने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इन्हें भारी भरकम जो है चलान दिया जाएगा अभी आप देख सकते हैं। और जो लोग ऐसे करते हैं उनकी गाड़ियां सीज भी की जाएंगी, क्योंकि ये जो है गलत है, ये टेपिंग करना ये टोटली रॉन्ग है, और ऐसे लोगों के साथ जो पुलिस है वो सख्ती से निपटेगी। और मैं अपने माध्यम से कहूंगा कि ये गलत काम मत करें, कभी भी अपने आप गाड़ी को ये इस तरह के ना करें, ताकि आपको भारी बरकम जो है चलान और गाड़ी सीज आपकी हो सकती है, उससे आप बचें और ये काम आप मत करें। ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर राजौरी के अंदर आज भारी बरकम पुलिस जो है रोड पर उतर चुकी है और हर आने जाने वाले को यहाँ पर चेक किया जा रहा है।
लोग भी देख सकते हैं आज राजौरी के अंदर, चाहे वो डर के मारे, लेकिन आज देख सकते हैं हेलमेट पहन के निकले हैं। नहीं तो यहाँ पर लोगों को ये होता था, जब ये पुलिस को देखते हैं तभी हेलमेट पहनते हैं, नहीं तो हेलमेट ये स्कूटर के साथ जब बाजू में पकड़ के रखते हैं। लेकिन आज ये नाका देखकर ये लोग देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सीट बेल्ट जो है वो पहन रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं। लेकिन इसी तरह अगर राजौरी के अंदर ये नाके लगे रहेंगे, इस तरह ये चेकिंग करेंगे, तो जरूर इन लोगों के अंदर भी ये सीट बेल्ट पहनने का चलन आ जाएगा, ये हेलमेट पहनने का चलन आ जाएगा। ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर मोटरसाइकिल ऐसे भी चेक किया जा रहा है, इसकी जो सीट है खुला के देखा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पर राजौरी पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ आज यहाँ पर नाका लगा के हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। इस मोटरसाइकिल को खोला गया है, इसे भी चेक किया गया है ताकि कोई स्कंदित जो है यहाँ से निकल ना पाए। क्या मानते हैं आप जिस तरह यहाँ राजौरी पुलिस चेक कर रही है, क्या इसी तरह के नाके यहाँ होने चाहिए? यस सर, होने चाहिए। नहीं, आपको ये परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं सर, कोई परेशानी। ये देखते हैं इन्होंने कहा कि इसी तरह चेकिंग जो है वो होनी चाहिए। हम ये लोग खुद भी यहाँ अपनी आपको सेफ समझते हैं, चेक कराना चाहते हैं। सर जिस तरह आज यहाँ पर नाका लगाया गया है और हर आने जाने वाले को आप रोक रहे हैं, ये देख सकते हैं डीएसपी साहब ने भी कहा है कि हम ठीक है ये नाका लगाया, ये अब मीडिया के सामने नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह विजुअल देखें आप, किस तरह यहाँ पर हर आने जाने वाले को यहाँ पर किस तरह ये रोका जा रहा है। ये विजुअल आप देख सकते हैं, ये ऑटो को भी अभी रोक दिया गया है, इन्हें भी चेक किया जा रहा है। मैं फिर आपको कहता चलूँ, जम्मू के अंदर जो है बीएपी मूवमेंट है उसको लेकर राजौरी के अंदर भी यहाँ पर सख्ती कर दी गई है आज, और यहाँ पर नाके लगा दिए गए हैं, हर आने जाने वाले को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के यहाँ से नहीं गुजर पा रही है। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सेठ समाचार, राजौरी।